सो अब स्टार्ट कर रहे हैं रेड वेलवेट क्रीम चीज स्वर्ल ब्राउनीज है ना, ये दिस इज अ ब्राउनी सो वी आर यूजिंग डार्क कंपाउंड, क्लियर। तो सबसे पहले चॉकलेट और बटर मेल्ट करेंगे। चॉकलेट हमारी इसके अंदर दी हुई है 50 ग्राम, 50 ग्राम्स हम इसमें चॉकलेट ले रहे हैं। जिसमें हम 100 ग्राम ऑफ बटर ऐड करेंगे, इसमें हम 100 ग्राम बटर ऐड करेंगे। हंड्रेड ग्राम इजी है, 100 ग्राम वाली आप अपनी अमूल की टिक्की लो और पूरी टिक्की डाल दो, ठीक है। सो ये हो गया, इसे मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ। मीन वाइल आप मैदा और बेकिंग सोडा को सीव करो। कप में मेजरमेंट दिया हुआ है 2/3 कप। 2/3 कप कैसे करोगे, 1/3 कप आपका आता है ना, दो बार 1/3 कप ले लो। उसके साथ इसमें जाएगा हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कितना है, 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। सीव कर लो इसे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑल द अदर वेट इंग्रेडिएंट्स, सारे दूसरे वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें जाएगा हमारा मिल्क मेड, देखो अच्छा खासा मिल्क मेड है, 200 ग्राम इसमें जाएगा हमारा मिल्क मेड, ठीक है। 200 ग्राम या 400 ग्राम का टिन होता है, आधा टिन आपका इसमें मिल्क मेड जाएगा। इसकी वजह से इसमें चीनी नहीं जाएगी, ठीक है। दो सौ ग्राम ये आपका मिल्क मेड, हाँ। इसके अंदर देखो आपका पानी भी नहीं लिखा हुआ है, दिस रेसिपी डज नॉट रिक्वायर एनी अदर जूस, इसमें जाएगी क्रीम चीज के लिए। चलो इसमें डाल दो मिल्क मेड, इसी से डाल। मिल्क मेड के साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या जाएगा, रेड फूड कलर, क्लियर। रेड फूड कलर हम इसमें डालेंगे। तो रेड फूड कलर, अगर ये शेफ ये वाला ब्रांड ले रहे हो अपना सुपर रेड अमेरी या शेफ मास्टर का, तो 3 से 4 ड्रॉप बहुत है। और पानी वाला अगर ले रहे हो तो आपका 1 टीस्पून के आसपास चला जाएगा। और ये आपको देखना पड़ेगा आपको कितना ब्राइट कलर चाहिए, क्लियर, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। ये आपको पता है मुझे 3 से 4 ड्रॉप में हो जाएगा, दो से तीन, हाँ 3 से 4 ड्रॉप आप डाल के देख लेना। उसके साथ साथ एसेंस, एसेंस इसमें वेनीला एसेंस डालेंगे हम, ठीक है, 1/2 टीस्पून ऑफ वेनीला एसेंस। तीन ड्रॉप है ना, एक ड्रॉप और डालते तो थोड़ा सा और ज्यादा रहेगा, हल्का सा। खुशबू ट्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दो, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सब कुछ क्या है, ड्राई को वेट में डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इसमें केक की तरह वैसे नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके डाल, नहीं नहीं सब कुछ नहीं, सब डाल दो, ठीक है, जस्ट कंबाइन इट।
तो ये तो हमारी बन गई रेड वेलवेट की लेयर। अब बनाएंगे क्रीम चीज की लेयर। क्रीम चीज के लिए देखो आपका क्या क्या दिया हुआ है। क्रीम चीज मार्केट में काफी तरीके के क्रीम चीज आते हैं। सबसे इजीली अवेलेबल ब्रिटानिया क्रीम चीज, सबसे इजीली अवेलेबल। हम बेकर्स लोग ये डिलेक्टा क्रीम चीज यूज करते हैं, ठीक है। मार्केट में फिलाडेल्फिया आता है, क्वाक आता है, मास्कारपोन आता है, जो चाहे वो क्रीम चीज ले लो, कोई भी उठा लो क्रीम चीज, ठीक है। अब आपने क्रीम चीज देखो इन सबको एक साथ डाल के मिक्स करना है, जो भी आपकी क्रीम चीज लेयर में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या हमारा दिया हुआ है उसमें देखो, क्रीम चीज 50 ग्राम, ऊपर मतलब जिसमें आइस हमेशा फ्रिज में फ्रीजर में खराब हो जाएगा। ये लो फेंक लो, फ्रीजर में एक बार खुलने के बाद 10 दिन, उससे ज्यादा नहीं। कितना दिया हुआ 50 ग्राम ना, मतलब यूज करने एनवेज में। हाँ मतलब एक बार खुल गया तो, इसलिए आप लोग अगर यहाँ से लेना चाहो तो जैसे ये वाली जो आपकी पैकिंग आती है 180 ग्राम की आती है ब्रिटानिया की, 200 रुपये की। मेरे पास ये डिलेक्टा की ही ये वाली, इसकी 200 ग्राम की पैकिंग बनी हुई है। इफ़ यू वांट आप यहाँ से ले लेना, क्योंकि इतनी बड़ी पैकिंग लेके क्या करोगे, आपकी खराब हो जाएगी। तो 200 ग्राम आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे है 10 दिन में यूज कर ले खोलने के बाद, खोलने के बाद है ना। एक बार अगर खुल गई, जैसे अभी जो आई है वहाँ से बन के सील्ड पैक है ना, एक बार खुल गई तो 10-15 डेज में कंज्यूम कर लो उसे। एक बार खुलने के बाद जब आप निकाल लेते हो ना तो फिर यूज़ कर लो। चलो क्या है ये मेरी, हाँ डालो। सो अब इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क गया, 1 टेबलस्पून मिल्क के बाद 1/8 कप आइसिंग शुगर डालेंगे, ठीक है। आइसिंग शुगर 1/8 कप, नींबू ले आना एक आधा कप। वन एट कप ले लो, कॉर्नफ्लावर डालो, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालो इसमें। ये लो, दिस इज 1/4, इसका आधा ले रही हूँ। तो 1/8 कप हो गया ये आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर इज डिफरेंट फ्रॉम योर कैस्टर शुगर, रिमेंबर दैट, ठीक है। और इसकी टैंगीनेस के लिए, एक अच्छी सी उसके लिए बैलेंस करने के लिए हम लेंगे इसमें लेमन जूस। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हम लेमन जूस, ठीक है। 1/2 टीस्पून इसमें गया लेमन जूस। अब बस इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लो। गया सब कुछ? अगर ये आप बड़े अमाउंट में बना रहे हो तो एक बार बीटर चला लेना, अभी छोटा सा है तो इसलिए हम इसे ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। आइसिंग शुगर होती है ना जो आइसिंग में बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। क्या हो गया? फट गया, जैसे पनीर फट जाता है ना। हाँ तो क्रीम चीज़ खराब है, क्रीम चीज़ खराब है। हाँ और जबकि मैं फ्रेशली कह रही ली मार्श। हाँ ली मार्श है ना, ली मार्श को खुद ही एक बार डेट चेक करके लिया था। डेट भी चेक करें होना तो नहीं चाहिए ऐसा मेरे साथ। कौन सी कंपनी का? क्वार्क का था या कौन सा था जो राउंड डब्बा आता है, क्वार्क ही आता है। हाँ वो क्वार्क और मास्कारपोने। हाँ नॉट श्योर, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ कभी हुआ नहीं। इट मीन्स क्रीम चीज ही गड़बड़। ये इसमें बनाएंगे? हाँ 7/7। हाँ ठीक है, ये हमारा हो गया क्रीम चीज का बैटर, ये हो गया हमारा रेड वेलवेट का बैटर। अब इसका दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है आपका, रेड वेलवेट का पूरा बैटर डालो, ऊपर से एक लेयर क्रीम चीज की डालो और बेक कर दो। दूसरा स्वर्ल्स मेथड है, वो हम बताते हैं वो कैसे करना है। रेड वेलवेट की ये पूरी लेयर हमने डाल दी इसमें, पर मैंने ब्राउनी ट्राई की थी और वो मेरा ना पूरा चीज चला गया। ये इवनली आप स्प्रेड कर लो इसे,
उसके बाद आइदर आप इसे एक पाइपिंग बैग में डाल लो, ठीक है, पाइपिंग बैग में डाल लोगे तो क्या होगा, आराम से एक एक डॉलर डाल सकते हो। और पाइपिंग बैग में अगर नहीं डाल रहे हो, एक स्पून कहीं कहीं ऐसी बस आप क्रीम चीज की, टूथपिक लिया आपने और इसमें बना दिया आपने ये स्वर्ल्स। ठीक है, बस रेडी टू गो इन योर ओवन। ठीक है, ये बेक करने के लिए हम रख रहे हैं। ओके, इसमें